Please subscribe to my channel Mehak in the Kitchen and press the bell icon for more latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ चावलों की खीर। चावलों की खीर बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1.5 लीटर दूध और 1/2 कप मैंने लिए हैं चावल। चावलों को मैंने भिगो लिया है, आधा घंटा हो चुका है मुझे चावल को भिगो कर रखे हुए। तो आइए चलते हैं, हम बनाते हैं खीर। खीर बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ा पतीला, खुला पतीला ही लेना है ताकि खीर अच्छी तरह से खुले बर्तन में बन जाए। तो हम चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं कर रही हूँ फ्लेम ऑन, मैंने कर दिया है यहाँ फ्लेम ऑन। अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने डाल दिया है दूध। तो ये देखिए दूध में बॉईल आ चुका है, मैंने फ्लेम मीडियम कर दिया है। ये जो मैंने चावल भिगो कर रखे थे, अब मैं इसे दूध में डाल दूँगी। मैंने चावल डाल दिए हैं दूध में। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंने मिक्स कर लिया है इसे। अब मैं इसे कवर करके 1 घंटे तक पकाऊंगी लो फ्लेम पर। खीर को जितनी देर पकाया जाता है उतनी ही जायकेदार खीर बनती है। तो चले हमें बीच बीच में से 1-2 बार इसे चेक करूँगी और 1 घंटे तक मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। तो चलिए मिलते हैं 1 घंटे बाद। 1 घंटा हो चुका है हमें इसे लो फ्लेम पर पकाते हुए। तो ये देखें हमारी खीर आहिस्ता आहिस्ता पक रही है। ये देखें कितनी मोटी मलाई आई है इस पर। हमारी खीर गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब मैं यहाँ पर इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ। मैंने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। ये देखें गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जिस तरह से आप मीठा पसंद करते हैं, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने 1 कप चीनी डाली है। अब जो चीनी का पानी रिलीज़ होगा तो हमें इसको हाई फ्लेम पर पकाना है, वो इसमें ही ड्राई हो जाएगा और हमारी खीर और गाढ़ी हो जाएगी। मैं फ्लेम थोड़ा इसका मीडियम कर रही हूँ, लो पर रखा हुआ था मैंने। मैंने फ्लेम मीडियम किया था, अब मैं हाई कर रही हूँ। देखें इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब मैं 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही इसे पकाऊंगी। चीनी का जो पानी रिलीज़ होता है उससे थोड़ी पतली हो जाती है। ये देखें अब हम इसका पानी जो है चीनी का रिलीज़ हुआ है, उसे इसी में ड्राई कर लेंगे। तो मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसे हाई फ्लेम पर पकाते हुए। अब मैं इसका फ्लेम फिर से लो कर दूंगी और इसे कवर करके पकाऊंगी 20 मिनट तक। अब मैं इसे कवर कर दूंगी। कर दिया है मैंने फ्लेम इसका लो। अब मैं इसे 1/2 कवर कर दूंगी, सॉरी। बस इस तरह से मैं इसे कवर करके पकाऊंगी। तो अब हमें 20 मिनट हो चुके हैं, हमने लो फ्लेम कर
फिर हमने 20 मिनट के लिए पकने के लिए रखा था इसे। तो ये देखें, खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें कितनी गाढ़ी हो चुकी है हमारी खीर। तो अब ये हमारी खीर रेडी है खाने के लिए। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा और गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन ये खीर जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल परफेक्ट है, और क्योंकि ये रखकर भी गाढ़ी हो जाती है। तो चले अब हम इसे करेंगे डिश आउट और आपको दिखाएंगे। तो चले अब दिखाते हैं आपको डिश आउट करके। हाँ जी, तो मैंने इन्हें निकाल लिया है डिश में। अब हम इसे गार्निश करेंगे। ये मैंने कोकोनट लिया है, पिस्ता लिया है मैंने, बादाम लिया है, इसे क्रश कर लिया है। तो अब मैं पहले इस पर कोकोनट स्प्रिंकल करूँगी। अगर आप ज़्यादा कोकोनट पसंद करते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपको अपनी चॉइस है। मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। देखिए बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें पिस्ता डाल रही हूँ। और ये बादाम, तो हमारी खीर बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए, और फिर हम इसे इंजॉय करेंगे। आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल महक इंदा किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।